आचार्य गुरुवर के पंचकुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर के ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य एक बहुत शुभ अवसर के उपलक्षण में वह कार्य करने के लिए आप लोग तत्पर हुए हैं, जो कि बहुत है पूर्व काल में ही यह कार्य करना योग्य था, किंतु ज्ञात नहीं होने से, जानकारी नहीं होने से, संस्कार भी नहीं होने से इस कार्य में यह विलंब हुआ। कोई बात नहीं, विलंब के बाद में रुचि पूर्वक उस दिशा में आप लोग कार्य करेंगे, अवश्य ही सफलता मिलेगी। अभी चिकित्सकों के नाम उल्लेख के साथ यहाँ पर घोषणा की गई है, वहाँ पर सारे डॉक्टर भी आए, कोई वेद सुनने के लिए नहीं आया। ये भी एक बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। आयुर्वेद के विषय में आज आप सुनना और कुछ कहना चाहते हैं तो कम से कम आयुर्वेद आचार्य, आयुर्वेद निष्णात, आयुर्वेद के अनेक और भेद नाम के अनुरूप उनके कार्य भी होते हैं, ऐसा कहा गया है। यदि आप संक्षेप से और कुछ समझना चाहते हैं तो दूर दूर से चिकित्सक आए हैं, अब चिकित्सा किसी भी में हो सकती है। यदि रोगी भी नहीं है तो भी उसकी चिकित्सा की जा सकती है। यहाँ पर प्रसंग रोगी की अपेक्षा से ही नहीं, किंतु रोगी यदि मन से चिकित्सा के योग्य है तो आयुर्वेद सर्वप्रथम ऐसा भेद है जो बस मन की चिकित्सा के लिए भी वह अवश्य ही योगदान देता है। चिकित्सा किसकी की जाती है इस विषय में प्राय करके प्रचलन रोगी की चिकित्सा कैसी की जाए। रोगी की चिकित्सा नहीं करना चाहिए किंतु रोग की चिकित्सा करनी। जब रोग की चिकित्सा की जाती है, रोग चला जाता है तो वह रोगी निरोग हो जाता है। एक इसके लिए पंक्ति तीन चार आई थी, आप लोग याद रखो तो काम में आया। रोगी की नहीं, रोगी की नहीं, रोग की चिकित्सा हो, रोग की चिकित्सा हो, अन्यथा रोग अन्य का भोग अवरोग। कृष्ण को संदेह, क्योंकि हम
रोगी की चिकित्सा के लिए रोगी के अनुरूप कुछ करना चाहते हैं। रोगी के अनुरूप यहाँ पर कुछ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी इच्छा उनके अनुसार यदि चले गए तो आप एक प्रकार से असफल रहोगे। उसकी बात को सुन तो लो, किंतु उसकी बात को सुन करके उसी के अनुसार नहीं लगा। बेटा तुम्हें क्या चाहिए ये रोगी के सामने कभी भूल करके न भूली गए, वह अपत्य को ही कहेगा। मान लो खांसी खूब लगी है, बेटा तुम क्या चाहते हो, अच्छे सही से जमा करके दे। आप भी जम जाओगे और वो भी जम जाएगा, जमाना क्या कहेगा। यही हो रहा है, रोग क्या है पता है नहीं, और रोगी की चिकित्सा करते जा रहा है। किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मंगलाचरण हुआ है कि आप लोगों को रोना नहीं है, किंतु उस रोने को हमेशा हमेशा के लिए भगाना है, दूर करना है और रोगी को प्रसन्न करना है। रोगी की प्रसन्नता रोग के निदान के ऊपर आधारित है। आज निदान रोग की चिकित्सा का बहुत दुर्लभ हो गया है। वेंटिलेटर पर रखना पर्याप्त समझते हैं और घर वाले घर चले जाते हैं, और जिनको डॉक्टर चिकित्सक बोलते हैं वो भी चले जाते हैं। वहाँ पर एक आध व्यक्ति रह जाता है रोगी के साथ बोलने की अपेक्षा से, और वो वेंटिलेटर पर मौन बैठा रहता है, लेटा रहता है। उसके हाथ में मान लो चलने लग जाते हैं तो उन हाथों को भी बांध दिया जाता है, मुख को भी बांध दिया जाता है, पैरों को भी बांध दिया जाता है। तो वह बोल ही नहीं सकता क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में कितने दिन तक हुआ रहता है पता नहीं होती। चिकित्सा होने के लिए बहुत सारे उपाय है, लेकिन वर्तमान में यही प्रचलन लगता है। इसके दर्द भी आ जाते हैं, दर्द का समझते हो आप, एक एक दिन में दर्द का संसार भी हो सकता है, और विशेष इंजेक्शन के साथ जो होता है तो बीच बीच का 50,000 भी ये चल रहा है बाजार। इसलिए आयुर्वेद को याद किया आप लोगों को, हम धन्यवाद देते हैं कि आप धन्य हैं। कम से कम इस समय आयुर्वेद के स्वप्न आ गया था जो आपने आयुर्वेद को याद कर लिया। समझ लो मैं तो इसको स्वप्न ही समझता हूँ, और आज बहुत सारे युवा युवतियाँ आयुर्वेद में एक चिकित्सा प्राप्त करने के लिए और रोग को समझने के लिए, रोगी के हित में कार्य करने के लिए कटिबद्ध हुए हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। वे सफल बने, सफल ही नहीं निष्णात बने और चिकित्सा करें और उनको निरोग बनाने का प्रयास करें। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पटना में बड़े बाबा की।